हेलो, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे सिरिसू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं, मिक्स वेज पकोड़े। बरसात का सीजन है और अगर बरसात में पकोड़े नहीं खाएं चटपटा तो क्या खाएं? इसलिए देखिए, आज मिक्स वेज पकोड़े बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आलू ग्रेट करके पानी में रखे थे, अभी जस्ट छान लिए हैं। इसे रख लेते हैं। एक कटोरा एक आलू है, एक गाजर हमारा है, इसे मिक्स करते हैं। ग्रेट करके सब रखे थे। और अब देखिए, यहाँ पे सारे सब्जियाँ हमारा है, ये मिक्स शिमला मिर्च है और पत्ता गोभी है, ये हरा धनिया है और ये छोटा हरा मिर्च है, इसे थोड़ा काट के डाल देते हैं। सभी को मिक्स कर लेते हैं। सारा सब्जी का ही पकौड़ा बन रहा है। इसे धनिया पत्ती ढेर सारा डालना है, अपना श्रद्धा अनुसार डालिए। और ऐसा नहीं कि जितना हम डाल रहे हैं उतना आपको भी डालना है, आप अपना अनुसार डालिए जितने। सारा सब्जी इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मसाला पहले डालते हैं। ये देखिए हमारा है ब्लैक पेपर है, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, गोलकी बोलते हैं इसको। ये सारा सब्जियां मिक्स कर लिए हैं, अब मसाले डाल रहे हैं इसमें। ये भुना हुआ हमारा, हाँ, काला ये गोलकी। सारी सब्जियां मिक्स कर लिए हैं और इसमें मसाले डालते हैं। भुना हुआ गोटा धनिया जो दरदरा कूटे हैं, इसको है कि हाफ देते हैं, देखिए। और मसाले में जो है, एक चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, छोटा चम्मच से डाल रहे हैं। एकदम चटपटा बनाना है इसलिए ये धनिया पाउडर है हमारा, एक चम्मच डालते हैं, छोटा चम्मच से सब डाल रहे हैं मसाला। और ये हमारा काला मिर्च है, काली मिर्च जिसको हम लोग गोलकी भी बोलते हैं, एक चम्मच डालते हैं। ये थोड़ा सा तीखा करने के लिए डालते हैं। ये सारे मसाले डाल दिए और इसमें थोड़ा हींग, क्योंकि पचने के लिए और टेस्ट के लिए भी थोड़ा है। ये देखिए, थोड़ा हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम है, हींग डाल रहे हैं। और कूटा हुआ मिर्च है, लाल मिर्च है, ये अधिक नहीं डालेंगे, हाफ चम्मच डालेंगे, क्योंकि ये कुल्की भी डाले हैं। सारा मसाला हमारा हो गया और इसको अब देखिए, हाफ कटोरी बेसन, बेसन पहले डाल लेते हैं क्योंकि ये, और अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में खुद पानी होता है जो मॉइस्चराइजर छोड़ता है अपना। सारा मिला लेते हैं, उसके बाद में पानी का जरूरत पड़ेगा डालेंगे। और कुरकुरे बनाने के लिए हम चावल का आटा हाफ कटोरी रखे हैं, इसे मिलाएंगे। नमक अभी नहीं मिलाते हैं, थोड़े ये सब मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद नमक मिलाएंगे। ये देखिए, सभी चीज़ों को मिला लिए हैं और इसमें अब नमक डालते हैं। एक चम्मच डाल रहे हैं इसमें नमक और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, देखिए इतना बंध रहा है। अब थोड़ा इसमें पानी डाल डाल के देखते हैं कि कितना पानी लेता है। एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है, इसे हम गिलास थोड़ा थोड़ा पानी लेके मिलाएंगे इसे। अधिक पानी नहीं डालना है क्योंकि अधिक होने से खराब भी हो सकता है। ये देखिए, पकौड़ा अच्छा होना चाहिए। एक चम्मच जैसा पानी अभी डाले हैं और ये देखिए हो चुका बनने जैसा बन। थोड़ा और डालेंगे, देखिए थोड़ा बेसन इसमें कम लग रहा है। थोड़ा पानी दे के देख लेते हैं कि कितना जरूरत पड़ेगा। ये तो बिल्कुल अच्छा बन गया है, हो गया है। और थोड़ा
ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा, थोड़ा बेसन इसमें और मिलाते हैं। पहले देखिए हाफ कटोरी डाले थे और हाफ कटोरी से थोड़ा और कम ये बेसन डाल रहे हैं, उसमें थोड़ा रख लेते हैं। अब देखिए अब ठीक है, पूरा हो चुका। थोड़ा इसे पानी मिलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है, ये पकौड़ी जैसा होना चाहिए। अब अच्छा बना। इसे थोड़ा देर के लिए दो तीन मिनट के लिए रख रहे हैं, तब तक फ्राई पैन चढ़ाते हैं, तेल गर्म जब तक होगा इसे ढक करके रख दे रहे हैं। ये तो देखिए फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं, इसमें तेल गर्म हो चुका है, देखते हैं एक छोटा सा डाल करके कि गर्म हुआ है या नहीं। हाँ तेल तो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालते जाएंगे छोटा छोटा, आप अपने अनुसार बनाइए। देखिए चम्मच से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, इसलिए हाथों को बचा करके ही करना है। जितना इसमें मेरा मेरा छोटा फ्राई पैन है इसलिए अधिक नहीं डालना है, हो रहा है इसे थोड़ा पकने देंगे उसके बाद पलटेंगे थोड़ा। थोड़ा स्लो में कर देंगे क्योंकि सब्जी भी अंदर में है ना, वो पकना चाहिए, नहीं तो ऊपर में अधिक एकदम पूरा जल जाएगा और नीचे कच्चा रह जाएगा अंदर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्लो कर दिए हैं, लो फ्लेम में है और इसे धीरे धीरे पलट दे रहे हैं। अब देखिए अब एकदम एकदम धीमा आँच में इसे पकने देते हैं। पक रहा है, तेल लगता है कि थोड़ा सा अधिक गर्म हो चुका है। देखिए पूरा पक गया है, दोनों पूरा अंदर तक पक गया, अब इसे निकालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डर भी लगता है ना। देखिए दूसरा बैच डाल रहे हैं इस तरह से। चलिए देखिए ये फिर है, डालते हैं इसे भी। तेल पूरा गर्म है, थोड़ा स्लो कर दिए हैं क्योंकि अंदर तक पकना चाहिए ये पकौड़े। अब देखिए पूरा डाल दिए हैं, इसे भी थोड़ा अच्छी तरह से पक जाएगा एक बार, तो धीरे धीरे हमारा लो फ्लेम है क्योंकि अंदर तक पकना चाहिए, नहीं तो ऊपर में जल जाएगा नीचे अंदर में कच्चा रह जाएगा। एक और पक चुका है, अब इसे थोड़ा पलट देते हैं धीरे धीरे चम्मच से। पक रहा है से। सभी को पलट दें थोड़ा पकना। हाँ दूसरी ओर भी होने देते हैं, थोड़ा पक जाएगा एक दो मिनट में, पक ही जाएगा अंदर तक सब्जी जितने डाले हैं। ये दूसरी ओर भी पूरा पक चुका है, अब इसे निकाल ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तेल नहीं आना चाहिए। एक बार और एक बात बोलना भूल गए थे कि हमारे यहाँ सरसों तेल खाते हैं, इसलिए हम लोग सरसों तेल में ही बना रहे हैं। आप जो चीज खाते हो जिस तेल में खाते हो उसी में बनाइए। देखिए थोड़ा सा और एकदम हमारा स्लो है, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं। पकौड़ा है कि पकौड़े बन रहे हैं, बड़े बड़े बना रहे हैं, थोड़ा हो गया। देखिए रेडी, हाँ पकौड़ा तैयार हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं, किसे भी थोड़ा निकाल ले रहे हैं, पूरा अच्छी तरह से तेल नहीं आना चाहिए। दो दो कट निकलेगा,
गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हो चुका है। अब चलिए खाने के लिए ये सारे पकौड़े बन चुका है, इसे प्लेट में अब सर्व कर रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए, और हम तो डाल रहे हैं सॉस है, टोमेटो सॉस है, इसे आप हरी धनिया चटनी के साथ भी खा सकते हैं अपनी पसंद के साथ। ये ऐसे में हमारे यहाँ अभी बच्चे भी हैं, थोड़ा बड़े भी सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सॉस के साथ कर रहे हैं, खाने जा रहे हैं। अगर ये पकौड़े अच्छे लगे हो तो घर में बना के देखिए, और अच्छा लगा मेरी वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरे पकौड़े कैसे बनी हैं क्या इतना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।